नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट हेडलाइंस में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस लगातार पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच मोहाली में 13 दिसंबर को खेला जाना है। ये मैच भारतीय टीम के लिए करो या मरो का होगा, तो ऐसे में भारतीय टीम जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। तो इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे से पहले टीम में बदलाव के कुछ संकेत दिए। सूत्रों की माने तो महेंद्र सिंह धोनी का नंबर दूसरे वनडे मैच में चेंज किया जा सकता है। उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी को देखते हुए उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा जा सकता है। तो वहीं पहले वनडे मैच के बाद रोहित शर्मा ने अजिंक्य रहाणे की कमी खलने की बात कही थी, तो ऐसे में दिनेश कार्तिक की जगह अजिंक्य रहाणे टीम में वापसी कर सकते हैं, जिससे रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया कुछ इस प्रकार से दिख सकती है। ओपनर्स होंगे शिखर धवन और उनके जोड़ीदार रोहित शर्मा। इसके अलावा नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर देखे जाएंगे, तो नंबर 4 पर अजिंक्य रहाणे उतरेंगे। नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज धोनी, तो नंबर 6 पर मनीष पांडे। 7 पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। इसके अलावा स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव और चाहल खेलेंगे, तो वहीं तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह कमान संभालेंगे। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी के साथ साथ श्रीलंका के हाथों सीरीज हार के खतरे को भी टालना चाहेगी। क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की ताजा अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।